ये है, ये मीर घाट है और यहाँ से ऊपर भी रास्ता जा रहा है। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं इस टाइम रात का और बारिश का है ये। आगे देखते हैं वहाँ पर आरती हो रही है जहाँ पे, वहाँ चलते हैं अब बारिश में ही। ये घाट पे सारी बोट्स इस टाइम आई हुई हैं और खाली है इस टाइम, फिर भी एक दो वहाँ पे आपको दिख जाएगी कि जा भी रही है। ये कुछ यहाँ पर मंदिर और रेस्टोरेंट है, डॉल्फिन रेस्टोरेंट, इधर भी कुछ ये बिल्डिंग है। बारिश में यहाँ पर सब अब भीगा हुआ है। आगे चलेंगे, ये लोग आग सेक रहे हैं यहाँ पे। ठंड हो गई है ना, ठंड हो गई है ना भैया, बहुत ठंड हो गई है ना। उधर हमें आरती दिख रही है होती हुई और बोट देखो कितनी सारी है ना, बहुत सारी बोट है। अंधेरा हो गया है और ये वाटर टैंक है पीछे ना, पानी की टंकियां हैं और ये बारिश से बचने के लिए ये बैठे हुए। आग भी जली हुई है वहाँ पर भी, ठीक है। और भाई साहब मेरे आगे आगे चल रहे हैं, इधर भी लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पर है, लेकिन हम जाएंगे वहाँ जहाँ ये देखो बोट ये किनारे पे आई हुई है, ये रखी हुई है ना, कुछ रिपेयर के लिए आई होगी शायद ये बोट। और अब यहाँ से निकलते हुए ये है वाटर टैंक, ऊपर जो है ना स्मार्ट सिटी वाराणसी लिखा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे वो वहाँ पे इस टाइम आरती के दर्शन है ना, कितना अद्भुत और मनोहर दृश्य है ना। पूजा पाठ का सामान यहाँ पर और ये तैयारी है, ये रात की आरती की तैयारी है। इधर सब जगह फूल, कुछ लोग अभी भी बोट में रवानगी कर रहे हैं वहाँ पे और इधर भी बाबा जी अपना काम कर रहे हैं कुछ यहाँ पर। और ये दीप है, ठीक है, ये बाबा जी यहाँ पर जला रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी, उधर भी ऐसा ही है। और इधर ये देखो यहाँ से ये जो छत्र है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और ये इस टाइम भीड़ हो जाती है, ऐसे भीड़ हुई हुई है, चेयर भी लगी हुई है, जो लोग पहले बैठना चाहें आना चाहें। और ये आरती की तैयारी है, ठीक है। बारिश के कारण लोग छतरियां लेके बैठे हुए हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा है आज ना, कि मैंने भी खैर कैब डाली हुई है क्योंकि बारिश है और यहाँ पर भी सब बारिश से बच के बैठे हुए हैं। तो इधर सामने अब तैयारी हो चुकी है और लोग पूरा इंतजार में है कि ये आरती होगी। बारिश में भी आरती हो रही है यहाँ पर, और मैं अभी दिखाऊंगा धीरे धीरे जो ये रिचुअल, जो ये आरती का जो काम है ये सारा अभी शुरुआती दौर में है। और तैयारी देख लो, यहाँ पे तैयारी हो रही है, ठीक है, इस जगह पे। वहाँ लोग खड़े हुए हैं दूर उस तरफ से देखने के लिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं सब, बारिश में भी सब यहाँ पर बारिश से बचते हुए। अब नहीं लगेगी, ठीक हो गया। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है भाई, अद्भुत नज़ारा है आज ये बारिश का। बारिश में भी गंगा आरती और बड़ा मनोहर दृश्य है, देख लो कमाल की ये आरती इस टाइम शुरू होने वाली है। बस लोगों में देख लो पूरा मतलब विश्वास बना हुआ है यहाँ की भोलेनाथ की जो धरती है, ठीक है। काशी अपने आप में इतना प्राचीन है ना, इतना पुराना है,
कहा तो ये जाता है कि बोट देखो कितनी अच्छी लग रही है वहाँ पे। ये रात में इस तरह से है बोट। कहा तो ये जाता है कि काशी जो है वो इतिहास से भी पुरानी है, यानी अगर हम ये बात करें जो इतिहास से जुड़ी हुई है कि एथेंस या रोम जब बसे, उनकी बसने की जो जो एक सिर्फ विचार ही था ना, उस विचार से भी पहले की भोलेनाथ की ये काशी है। अपने आप में इतनी प्राचीन, स्वयं भोलेनाथ यहाँ कई रूपों में मौजूद है। लोगों में आप यहाँ का विश्वास देख लो तो मुझे तो बहुत ही ये एक अलौकिक सा नज़ारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं अद्भुत सी जगह पर हम लोग आ गए हों। ये इधर भी इसके नीचे यहाँ पर लोग आरती के दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। मतलब आज मैं तो अपने आप को ये खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इस टाइम यहाँ पर, उधर से इंद्रदेव प्रसन्न हैं और यहाँ भोलेनाथ की आरती की तैयारी तो बस अब शुरू हो ही चुकी है। आसपास की भीड़ देख लो, पूरा इस टाइम जमावड़ा है यहाँ पर भक्तों का, और हम भी आज दर्शन करके आ चुके हैं। इधर से भी लोग आ ही रहे हैं। अभी आरती शुरू होने में अभी कुछ टाइम है, लेकिन उसकी तैयारी ही अपने आप में ये बेहतरीन दृश्य जो है, अलौकिक दृश्य का अनुभव करवा रही है। और यहाँ से हमें अभी आरती जो है वो होती हुई दिखाई देगी। सफाई चल रही है अब वहाँ पर, देखो पूरा तरीके से काम चल रहा है, इसमें वाइपर के साथ सफाई हो रही है, यानी रुका नहीं है बारिश में भी काम। ठीक है, यही वो दृश्य है जिसको आपने तस्वीरों में देखा हुआ है। वहाँ पर लाइव LED लगी हुई है और इस आरती का लाइव दर्शन यहाँ चल रहा है इस टाइम। भाई साहब मेरे साथ हैं, भीगे हुए हैं, लेकिन भीगने का कोई अफसोस नहीं। हम जितने मर्जी भीग जाएं, भोलेनाथ के दरबार में इस टाइम हम खड़े हुए हैं। क्यों भाई साहब? बहुत अच्छा यहाँ से नजर आ रहा है, ये आरती का दृश्य बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। तो ये है, और दूर से लेने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं पीछे से दिखाता हूँ, और ये मैं इस टाइम थोड़ा सा हाइट से दिखा दूँ आपको ताकि सारा सीन नजर आए। ये बिजली की जो LEDs ये जो लगी हुई हैं, ये बारिश में भी इन्होंने जलाई हुई है, कोई फर्क नहीं है। इस टाइम की बारिश है तो रुका जाए, वेट की जाए नहीं, लेकिन पूरी तैयारी है। तो अभी जस्ट आरती शुरू ही होने वाली है, भीड़ पहले लग चुकी है। कुर्सियों पे लोगों ने ऊपर पॉलीथीन डाल के, तरपाल डाल के या कुछ भी करके, छतरी का इंतज़ाम करके अपनी अपनी जगह पक्की की हुई है, और कोई भी हिलने को तैयार नहीं है अब यहाँ से, क्योंकि आरती अब जस्ट शुरू होने वाली है। तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ काशी में, जो बड़े किस्मत वालों को ही मैं कहूँगा कि देखने को मिलता है। अब जस्ट तैयारी शुरू है और इसके बाद लगभग 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा ये फूल वगैरह। ये तैयारी इस तरह से है। तो यहाँ पर भी लोग ये देख लो इसके नीचे खड़े हुए हैं, और ये है बारिश में भी कोई नहीं रुक रहा है, सब इस टाइम आरती का इंतजार कर रहे हैं सब। और अंधेरा भी हो चुका है, बारिश भी है, लेकिन फिर भी बिना हिले बैठे हुए हैं सब। नजरें, निगाहें जो हैं
वो आरती के तरफ ही है। उधर कुछ स्टीमर रात में, वो भी बड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं देखो। तो मैं ये काशी पे जो पूजन होता है, मैं वहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ। दशाश्वमेध घाट का इस टाइम ये यहाँ पर आरती का जो है ना वो आयोजन चल रहा है यहाँ पे। जस्ट अब शुरू होगी आरती और कुछ जो पूजा की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे शुरू हो चुकी है और बाकी सब अभी इंतजार में है। अगला चरण आएगा अब आरती का। तो ये है आरती से पहले का दृश्य, ठीक है। और मैं अब इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा कि आरती हो किस तरह से रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे बताना है कि और आप क्या देखना चाहते हो। दूर तक भीड़ इस टाइम है और लोग यहाँ अभी पहुँच रहे हैं। भीड़ है और लोगों ने बारिश से बचने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये देखिए अभी सब बताएंगे और खूब। तो भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हुए हो आप? गोरखपुर से आए हुए हैं, सीएम सिटी से। आरती का इंतजार हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस शुरू होने वाली है अभी, तो देख लिया ना, बेसब्री से इंतजार है। बारिश हो रही है लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई जा रही है। सबके चेहरे आरती की तरफ, सबका मुंह आरती की तरफ और अपने आप में दृश्य कमाल का है। मतलब यहाँ पे अगर आप आए तो आरती के दर्शन किए बिना, आरती का जो है आप अगर यहाँ पर ये दृश्य ना देखें और आरती में शामिल ना हो तो कुछ ना कुछ मिस जरूर हो जाएगा। तो अब और देखते हैं आगे चल के कितनी भीड़ है। ये सब लोग बैठे हुए, इंतजार हो रहा है आरती का। चारों तरफ भीड़ और मैं अब आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि क्या कमेंट आप लोग करते हैं और क्या देखना चाहेंगे, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाल सकूं। अब आरती जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डालूंगा। तो ये आरती का दृश्य है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये अब आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहोगे, यहाँ बनारस में मैं हूँ, वो ज़रूर बताना है कमेंट करके। मिलते हैं अब और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय भोलेनाथ।